भक्तों जब तन्हाई का एहसास हो, ना कोई तुम्हारे पास हो, ना तुम किसी की नजर में हो, ना कोई तुम्हारी नजर में हो, समझो तुम बाथरूम में हो। बाबा जी, बाथरूम की बातें करते रहते हो, नहाते तो हो नहीं। जरूरी थोड़ी बाथरूम में नहाया ही जाता है। तो फिर क्या किया जाता है? और भी मतलब मतलब कई बार बाथरूम धोने का ठेका भी तो मिलता है इंसान को। लेकिन बाबा जी, स्कूल में तो मेरी टीचर कहती थी कि नहाना बहुत अच्छी आदत होती है। अरे टीचर तो ऐसे ही है, खुद नहाते नहीं, बच्चों को नहलवाते रहते हैं। और तुमने स्कूल में सिर्फ नहाना ही सीखा है और कुछ नहीं सीखा? अरे नहीं नहीं बाबा जी, आपको पता नहीं मेरे पढ़ाई के पीछे कितना खर्चा हुआ है। तभी हम बिल्कुल नहीं पढ़े, खर्चा बहुत बचा लिया भाई हमने। तुम पढ़ी लिखी हो तो हमारे सवालों का जवाब दो, होशियार बनती हो। हाँ पूछिए। बताओ वो कौन सी चीज है जिसको एक साल फ्रिज में रखो तब भी गर्म ही रहेगी? ऐसी कोई चीज नहीं होती। गर्म मसाला। एक और पूछें? हाँ। लड़कियां घड़ी राइट हैंड पे पहनती हैं और मर्द लेफ्ट पे, बताओ क्यों? पता नहीं। टाइम देखने के लिए। इतना भी नहीं पता मूर्ख। बाबा जी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन हमें तो तुमसे एक ही उम्मीद है। भक्तों को भी आपसे उम्मीद है। भक्त पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाते हैं भाई। चलो भाई, मेन दुकानदारी है, वो भी जरूरी है। बोलो सोशल बाबा की। तो बताइए किसकी क्या समस्या है, बोलिए। वो बेबी। उसको छेड़ रहा है या मुझे बाबा हूँ भाई? वो मेरे मुंह से बेबी निकलने की आदत है। मुंह पे ढक्कन लगा के रखा करो फिर। बाबा जी, ये मुझे आँख मार रहा है। हैं? हट, ये आदत हमें है सिर्फ। मेरे को बेबी बोलने के साथ आँख मारने की भी आदत है। दो दो आदत है। हाँ, इसका कोई उपाय बताओ। दान करना पड़ेगा। क्या? आँखों को। और बेबी? जब दिखाई नहीं देगा बेबी किसको बोलोगे भाई? देखा, आँखें बाहर आ गई, बड़ी बड़ी चीजें खोल देता है बाबा। बैठो भाई। वाह बाबा जी, बोलो सोशल बाबा की। बाबा जी हाँ? एक समस्या मुझे भी है। कौन सी? ये चॉकलेट। तो इस समस्या के खा जाओ, खाती क्यों नहीं? नहीं बाबा जी, मुझे चॉकलेट खाना पसंद नहीं है ना। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो एक गुंडा रोज मुझे एक चॉकलेट देता है। उसे बोलो भाई, चो गुंडे भैया, चॉकलेट मत दिया कर, हम लिस्ट बना के देंगे सामान की। उसे बोलो ये पहुँचा दे और चॉकलेट ये हमें दे दो, हम खा लेते हैं। बहुत बड़े दिनों बाद चॉकलेट खा। अरे बाबा, ये किधर से आ गया भाई? ए बाबा। हाँ हट, हम गए चॉकलेट। अरे तू मत खा, बच्चों के दांत में कीड़ा लग जाता है, तू तो खुद कीड़ा है। आप दोनों एक चॉकलेट के लिए क्यों लड़ रहे? वो गुंडा मुझे रोज चॉकलेट देता है। बाबा जी, आज भैया को दे दो, कल मैं आपको दे दूंगी। ट्रंडी। लड्डू के भैया। अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया। बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ हो तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा, उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर से विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है। पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। अब
आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।